हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाय चोपड़ा। दोस्तों, एनटीए ने जेई मेन 2020 की जनवरी में होने वाली एग्जाम के लिए कुछ स्टूडेंट को एक्स्ट्रा टाइम देने का निर्णय लिया है। तो वो कौन से स्टूडेंट हैं जिनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा और कितना समय दिया जाएगा, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो कैंडिडेट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, जॉइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी जेई मेन 2020 के संबंध में एक नया निर्देश आया है, कई छात्रों को राहत देने वाला है। इसके अनुसार अगले साल जनवरी में होने वाली जेई मेन में उन छात्रों को 2 घंटे का अतिरिक्त समय मिल सकेगा जो दिव्यांग हैं, यानी जो हैंडीकैप कैंडिडेट हैं उनको 2 आवर्स का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए के प्रबंधन के अनुसार 40% या उससे ज़्यादा दिव्यांगता वाले उम्मीदवार अनुपूरक समय की मांग कर सकते हैं। मतलब यह है कि जो कैंडिडेट 40% से ज़्यादा हैंडीकैप हैं वो इस समय यानी एक्स्ट्रा टाइम की डिमांड कर सकते हैं। अब तक हम सिर्फ उन्हीं दिव्यांग उम्मीदवारों को अतिरिक्त समय का लाभ मिल पाता था जो सहायक रखते थे, यानी कि पहले भी एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता था लेकिन उन्हीं कैंडिडेट को टाइम दिया जाता था जो सहायक रखते थे। सहायक का मतलब यह है कि कोई हैंडीकैप लिख नहीं सकता है, देखने में थोड़ा वीक है, पढ़ नहीं सकता है, तो वो अपना सहायक ले जा सकता था एग्जाम में, तो उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता था। लेकिन अभी जो 40% से अबोव सारे हैंडीकैप हैं सभी को एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, लेकिन अब खुद परीक्षा लिखने वाले दिव्यांग छात्र भी अतिरिक्त समय का लाभ ले सकेंगे। इतना ही नहीं, तेजाब पीड़ित अभ्यर्थी भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं, यानी कि जो तेजाब पीड़ित कैंडिडेट हैं वो भी एक्स्ट्रा टाइम की डिमांड कर सकते हैं, हर पेपर के लिए 1 घंटा। इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए होने वाली संयुक्त परीक्षा मेन यानी जेई मेन में 2 पेपर होते हैं, एक बीटेक का पेपर होता है, एक आर्किटेक्चर वगैरह का पेपर होता है, तो दोनों पेपर में 3-3 घंटे के होते हैं। दिव्यांगों को हर पेपर में 1 घंटे का अतिरिक्त समय मिलेगा, यानी ये 3 घंटे की बजाय 4 आवर्स का पेपर होगा जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट 40% से अबोव हैं वो सभी हैंडीकैप को मिलेगा, चाहे उसने सहायक रखा हो या नहीं रखा हो। तो दोस्तों, एनटीए के अनुसार केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों के अधिकार कानून 2016 के तहत दिव्यांगों को दी जाने वाली सुविधाओं में बदलाव किया था। इसी के तहत जेई मेन 2020 के दिव्यांगों को अनुपूरक समय दिया जाएगा। इसके तहत सहायक रखने या न रखने वालों को परीक्षा में अतिरिक्त समय मिलेगा, यानी कि ये टाइम सभी को मिलेगा जो 40% से अबोव हैंडीकैप कैंडिडेट हैं, जो विकलांग कैंडिडेट हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी थी एनटीए के एक अपडेट की, जो इन्होंने जेई मेन 2020 के एग्जाम जो जनवरी में होने वाली है उसके लिए किया है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।